नमस्कार दर्शकों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर विषय है। दर्शकों, दान करना पुण्य का काम है। पुराणों में भी दान की महिमा का बहुत ही अच्छा वर्णन है और हमें दान करना भी चाहिए। अगर परमात्मा ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम किसी भी रूप में दान करें तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दान क्या करें, या कुछ ऐसी वस्तुएं जिसका हमें दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दर्शकों कई बार जाने अनजाने हम कुछ ऐसी चीजों का दान कर देते हैं जिसके करने से माँ लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाती है या माँ लक्ष्मी हमारे घर से चली जाती है। हमारी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं दर्शकों, शनि, राहु, केतु, ये भी दान से जुड़े होते हैं। अगर हम कुछ ऐसी नकारात्मक चीजों का दान कर देते हैं तो उसके कारण हमारे शनि, राहु, केतु ये ग्रह भी खराब हो जाते हैं। दर्शकों, खास तौर पर एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप भोजन का या भोजन से जुड़ी किसी वस्तु का आप दान करते हैं तो दान करते समय आप 3 बार मन के अंदर या बोलकर ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः ऐसा बोलकर दान कीजिए, ताकि दान किया हुआ लगे भी और आपको लाभ भी मिले। दूसरा, दर्शकों, अगर आप दान करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो प्रक्रिया आपको पता है कि पहले भी और अब भी शनिवार के दिन खासतौर पर हमारे घर पर डकौत तेल लेने के लिए आते हैं या फिर हम शनि मंदिर जाकर शनि की प्रतिमा पर तेल चढ़ाते हैं। लेकिन दर्शकों, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि घर का बचा हुआ खाने में बनाया हुआ है, किसी भी प्रकार से बचा हुआ तेल या यूज किया हुआ तेल ना तो हमने डकोत के डालना है और ना ही हमने शनिदेव पर जाकर चढ़ाना है, क्योंकि ऐसा करने से शनिदेव खुश होने की बजाय दर्शकों मेरा मानना नाराज हो जाते हैं। और जो हम शनिदेव से उम्मीद करते हैं उनकी कृपा की, वो कृपा ना होकर के हमारे प्रति उनका अग्रेशन बढ़ जाता है, उनका गुस्सा बढ़ जाता है। तो ऐसा कभी ना करें कि घर का बचा हुआ तेल आप डकोत को दें या शनिदेव की प्रतिमा पर चढ़ाएं, जिसके चलते शनिदेव आपसे नाराज हो जाए। दर्शकों, दूसरा, किसी भी नुकीली वस्तु, चाकू, छुरी इत्यादि, कैंची, कभी भी किसी को उपहार में या दान में नहीं देनी चाहिए। अगर आप उपहार में भी दे रहे हैं तो इससे भी दोस्तों मेरा मानना है कि अपने रिश्ते को बिगाड़ने का काम करना है, कि हमारे बीच जो मित्रता है, हमारे बीच जो कम्युनिकेशन है, वो इन चीजों का दान करने से पहले से बिगड़ रहा है। और अगर हम ऐसा दान किसी उपहार में नहीं देते या हम किसी गरीब को ऐसा दान देते हैं तो उससे भी दर्शकों राहु, केतु और शनि का नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमने कोशिश क्या करनी है कि ना तो ऐसी चीजों को किसी को उपहार में देना है और ना ही किसी इंसान को ऐसी चीजों को दान में देना है। दर्शकों, अगर आप अपने पुराने कपड़े भी दान करते हो तो ध्यान रखना है कि वो किसी पंडित, किसी ज्योतिष को ना दें। अगर आपने अपने कपड़े देने भी हैं तो किसी गरीब जरूरतमंद को दीजिए, लेकिन वो भी ध्यान रखिए कि कपड़े आपके गंदे ना हो, फटे पुराने ना हो। कुछ लोग क्या करते हैं, घर के साफ किए हुए कपड़े, गंदे कपड़े, वो भी किसी गरीब जरूरतमंद को दे देते हैं। दर्शकों, ऐसा दान भी आपके लिए अच्छा नहीं होता। खासतौर पर मैंने क्या कहा कि अपने पहने हुए कपड़े आपने किसी पंडित को, किसी यजमान को देने ही नहीं है। दूसरा, आपने अगर ऐसे कपड़े देने भी हैं किसी गरीब जरूरतमंद को तो ध्यान रखें कि वो कपड़े गंदे ना हो और वो कपड़े फटे पुराने ना हो, इससे भी आपके घर से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। कुछ लोग दर्शकों झाड़ू भी दान में कर देते हैं कि चलो झाड़ू दान में कर देते हैं, अच्छा है। नहीं दर्शकों, अपने घर आई हुई लक्ष्मी कोई नहीं चाहता कि हम उसको बाहर भेज दें या अपने घर की लक्ष्मी को नाराज कर दें। हम अगर दर्शकों अपने घर से झाड़ू या बाजार से ला करके झाड़ू किसी को दान करते हैं, झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है, तो इसका सीधा सीधा संकेत क्या होता है कि हम अपने घर से माँ लक्ष्मी को वापस भेज रहे हैं, इससे भी दर्शकों माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दर्शकों, कोशिश कीजिए भोजन भी आप अगर दान करते हैं किसी को तो भोजन भी आपका झूठा ना हो, भोजन भी सड़ा हुआ ना हो, क्योंकि इससे दान का लाभ मिलने की बजाय आपको उल्टा उसका नुकसान होता है। आपके राहु केतु ये दोनों ग्रह खराब हो जाते हैं, क्योंकि हम दान ज्यादा तौर पर करते किस चीज का है, खाने का, वस्त्र का। अगर आपने दान करना है आप कम कीजिए, साफ कीजिए। और दर्शकों, सबसे अच्छी चीज क्या है कि दान की महिमा क्या है, दान हमेशा किसको करना चाहिए, किसी जरूरतमंद को। दर्शकों, भरे हुए को भरना कोई समझदारी नहीं होती। अगर आपको लगता है कि ये इंसान पहले से ही इतना मजबूत है कि इसको जितना भी दिया जाए फर्क नहीं पड़ता, तो उसको आप दान दे ही क्यों रहे हो।
आप दान हमेशा उसको दीजिए जिसका आपको लगे कि आपकी सीधी सीधा कृपा उस पर आएगी, है ना। अगर आपने किसी भूखे को खाना खिलाया तो उसकी आत्मा से जो आपके लिए अच्छी वाणी निकलेगी, जो दुआ निकलेगी दर्शकों, वो कभी खाली नहीं जाती। किसी प्यासे को पानी पिलाओगे, किसी भूखे को भोजन कराओगे, किसी अपंग को सहारा दोगे, तो वो ज्यादा अच्छा है, ना कि किसी भरे हुए इंसान को और भरना। इसमें कोई समझदारी नहीं है। तो दर्शकों यही कहना चाहूंगा कि दान जब भी करना है मन से करना है, पुराना बचा हुआ यूज किया हुआ दर्शकों कोशिश करें ऐसी वस्तुओं का दान बिल्कुल भी ना करें। और जैसा मैंने आपको पूरी वीडियो के अंदर बताया है कि आपको किसी नुकीली वस्तु का, किसी झाड़ू का, या अपने पहने हुए कपड़ों का या फटे पुराने कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। और खास तौर पर अगर आप भोजन का दान किसी जरूरतमंद को करते हैं तो साथ में आप ओम विष्णुवे नमः का जाप भी कर सकते हैं। दान कीजिए, दिल खोलकर कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप ऐसी वस्तुओं का दान बिल्कुल भी ना करें। नमस्कार दर्शकों, जय श्री बालाजी महाराज।